अम्बेडकर एक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर से मानवतावादी मीडिया सेंटर ने विशेष साक्षात्कार प्राप्त किया। इस दौरान हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में एपीआई के प्रदर्शन और भारतीय राजनीति में एपीआई के पदार्पण के महत्व को भी जानने का प्रयास एमएमसी के द्वारा किया गया, जिसके जवाब में विजय मानकर ने बताया कि चार राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा जरूर सत्ता से बेदखल हुई है, लेकिन कांग्रेस का आना भी हमारे लोगों के लिए ठीक नहीं है। एपीआई के वोट ऑफ परसेंटेज में वृद्धि भी जरूर हुई है, लेकिन आज भी एपीआई गांव कस्बों तक नहीं पहुंची है। इसके लिए पार्टी कार्यकर्ता, ऑर्गेनाइजर्स, ऑफिस बेयरर्स और उम्मीदवारों को और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। विजय मानकर ने इसके अलावा पॉलिसी ऑफ अम्बेडकरिज्म अनेक अंगों मग्गों पर भी डिटेल में प्रकाश डाला। साथ ही लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कार्यकर्ताओं को अभी से देश के 20 राज्यों में जुट जाने की बात कही। उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स को विशेषतः अपने साक्षात्कार में एपीआई की नीति और सिद्धांतों के साथ लोगों के बीच पहुंचने पर जोर दिया। वहीं राफेल के मामले में विजय मानकर ने कहा कि गवर्नमेंट की ओर से गलत एफिडेविट दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे ठीक से ऑब्जर्व नहीं किया, जो देश की सर्वोच्च संस्था के लिए अच्छी बात नहीं है। उन्होंने इसी तरह एपीआई की राजनीति और नीति के संदर्भ में कहा कि देश को आगे ले जाने और लोगों के कल्याण के लिए अखिल भारतीय स्तर पर एपीआई की जरूरत है, जिसे हम निरंतर आगे ले जा रहे हैं। बेस्ट नीतियों के आधार पर एपीआई को आज देश भर से लोगों का समर्थन मिल रहा है, जिनकी उम्मीदों पर हम खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। मानवतावादी मीडिया सेंटर के विशेष मुलाकात में हम लोग बात कर रहे धीमान विजय मानकर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष एपीआई। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जी। हाल ही में जो चार राज्यों में इलेक्शन हुआ, उसमें एपीआई का प्रदर्शन कैसा रहा? देखिए, अम्बेडकर एक पार्टी ऑफ इंडिया 86 सीटों पर टोटल चुनाव लड़ी, जिसमें छत्तीसगढ़ में 51 सीटों पर हम थे, 28 सीटों पर राजस्थान में थे, 4 सीट्स में मध्य प्रदेश और 3 सीट्स में तेलंगाना। तो 86 सीटों में जो है हमको 72,000 से ज़्यादा जो है वोटिंग मिला, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और दूसरा जो है, ये जो इलेक्शन है, एपीआई का पहला मेजर इलेक्शन था। जहाँ तक राज्यों के चुनाव का सवाल है, वैसे तो हम लोकसभा में लड़ चुके हैं 2014 में, तो इस लिहाज से अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया ने जो नीति डिक्लेयर की थी, जो नीति अभिवचन है, वो काफ़ी जो है वो सराहा गया। और उसका ये परिणाम भी हुआ कि पॉलिटिक्स में थोड़ा सा एक नीतियों का डिस्कोर्स बढ़ा हुआ है। कुछ तो बीजेपी कांग्रेस ने भी उनके मैनिफेस्टो में इन नीतियों को जो है वो कैप्चर किया, ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल नीतियों को लेकर और ये चुनाव को लेकर एपीआई को ज़्यादा अच्छा प्रतिसाद मिला जनता की तरफ से। ये चार राज्यों के चुनाव में एपीआई इससे अच्छा क्यों प्रदर्शन नहीं कर पाए? देखिए, एक तो जैसे मैंने कहा कि ये पहला मेजर चुनाव था स्टेट्स के अंदर में, तो कोई भी जब जनता पार्टी जब जाती है तो उसके नाम को लेकर, उसके सिम्बॉल को लेकर, उसके लीडर को पहचानती है, फिर कौन लोग हैं वहाँ पर इसको पहचानती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया का जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन अभी और थोड़ा गांव में फैलना बाकी है, गांव गांव तक कॉलोनी तक जाने की ज़रूरत है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। जो आइडेंटिफिकेशन होता है पार्टी का, वो उतना स्पष्ट रूप से नहीं हुआ। दूसरी बात जो है कि अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया क्योंकि गरीब लोगों की पार्टी है, सामान्य लोगों की पार्टी है, तो उसके पास उतना बड़ा लेवल पर फंड्स नहीं है जो भारत के चुनाव में लगता है। जो थोड़ा फंड्स हो तो ज़्यादा और ज़्यादा पॉपुलर कर सकते थे। तो ये दो चीज़ों की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी कमी रही। लेकिन यदि आप देखेंगे तो वोट परसेंट 2014 के मुकाबले में, जो पार्लियामेंट में हमको इलेक्शंस मिला था, उस लिहाज से वोट परसेंट बढ़ गया है। भारत के लोगों ने इसको एक अति विशिष्ट पार्टी करके जो है वो मान्यता देना जो है वो शुरू किया है कि ये यूनिक पार्टी है, इसकी पॉलिसी यूनिक है। और एपीआई की वजह से जो बाइपोलर पॉलिटिक्स था राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, जो दो बीजेपी जाती थी, कांग्रेस आती है, कांग्रेस जाती है, बीजेपी आती है, दोनों का परसेंट 80% वोट रहता था दोनों को। अभी यदि आप देखेंगे तो एपीआई और बाकी पार्टीज़ की वजह से छत्तीसगढ़ में 24% बाकी पार्टीज़ को और इंडिपेंडेंट्स को वोट है, राजस्थान में 22% है। तो 80% से अंदर हम उनको लाने में जो है तो काम नहीं। बहुजनों की इतनी पार्टियाँ रहने के बाद भी एपीआई की जरूरत आप क्यों महसूस कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो एक तरह का जो है वो कन्फ्यूजन है लोगों को कि भाई दलित पार्टी है या बहुजन पार्टी है, इसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया, यदि आप उसका पॉलिसी डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, तो ये जो है वो पूर्णतः केवल दलितों की या केवल बहुजनों की पार्टी नहीं है, ये 130 करोड़ भारतीयों की पार्टी है। ये एक अति विशिष्ट पार्टी है जो चार चीज़ों पर आधारित है: भारत का संविधान, मानव अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानून,
अम्बेडकरिज्म और अनेकानुमतियों, ये एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पार्टी ऑफ गवर्नेंस है, जो सुशासन के ऊपर कार्य करती है, जो लोगों के अधिकार, विकास और गरिमा पर कार्य करती है। एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बीजेपी कांग्रेस को अल्टरनेटिव बनना चाह रही है, जो पैन इंडिया पार्टी मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन है, अखिल भारतीय स्तर पर है और ये 18 से 20 राज्यों में है। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए आप जो हम SC ST OBC माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, DT NTs की बात करते हैं, भारत में चाहे आप लक्षद्वीप चले जाइए, चाहे अंडमान निकोबार चले जाइए, चाहे आप जम्मू कश्मीर चले जाइए, चाहे आप मिजोरम चले जाइए, गुजरात कच्छ में चले जाइए, हर जगह SC ST OBC माइनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन है। 100 करोड़ से ज़्यादा भी आबादी हो गई है। धरती कोई ऐसी नहीं है देश की जहाँ पर SC ST OBC माइनॉरिटीज़ नहीं है। और दूसरी जो प्रॉब्लम ऑफ पावर्टी है, इलिटरेसी है, गरीबी है, पिछड़ापन है, या जो कास्ट सिस्टम से जो प्रॉब्लम निर्माण हुई है वो भी पूरे देश में जो ब्राह्मणिज्म ने निर्माण की है। भारत का संविधान पूरे देश के लिए है, मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय कानून देश और दुनिया के लिए है, लेकिन बहुजन आंदोलन, दलित आंदोलन या उनके संगठन रीजनल है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, तो इससे यह समस्या हल नहीं हो सकती। देखिए हमारी समस्या राष्ट्रीय है, हमारा समाधान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय है, तो हमारी मूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशन भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय होना चाहिए। तो इसलिए अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया को हमने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर डेवलप करने का कार्य किया है और हमको इसमें सफलता मिल रही है। और 2019 में हम जो 20 राज्यों में जो है चुनाव लड़ा रहे हैं, 200 से ज़्यादा, तो इसको अखिल भारतीय जो है वो एक स्तर का जो है वो स्टेटस मिलेगा, पैन इंडिया पार्टी मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन करके जो प्रखर रूप से आ जाए। सर, उत्तर भारत में हिंदी भाषी प्रदेश में ये भी अब काफ़ी पॉपुलर हो रही है, तो इससे BSP के लोग क्यों चिंतित हैं? नहीं, उन्हें चिंतित नहीं होना चाहिए। यदि उनका कार्य अच्छी है, उनका अगर नीति अच्छी है, उनकी विचारधारा अच्छी है, तो उनको या किसी और पार्टी को भी इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं। देखिए अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि अति विशिष्ट पार्टी है और भारत में भारतीय लोकतंत्र को संविधान सम्मत, मानवाधिकार सम्मत और जो मानवतावादी क्रांतिकारी उत्थान की जो नीतियाँ है उस पर एक स्पेशलाइजेशन होने वाली 2 पार्टीज 3 पार्टीज 4 पार्टीज की ज़रूरत है। क्योंकि हम देखा है कि पिछले 60 सालों में कांग्रेस और BJP दोनों जो संविधान सम्मत नहीं है, मानवाधिकार सम्मत नहीं है, जिनकी नीतियाँ कल्याणकारी नहीं है, उत्थानकारी नहीं है, उनकी वजह से देश में समस्याएं हैं। तो भारतीय लोकतंत्र को ऐसी 2-4 पार्टीज की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया वो पार्टी है जो भारत में एक अति विशिष्ट पार्टी करके राइज हो रही है। अगर दूसरी कोई पार्टी भी अगर चाहे तो वो भी अच्छी बन सकती है, तो किसी को इसमें से घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन होता है कि जब एक नई पार्टी, राइजिंग पार्टी जाती है, तो जो पहले की पार्टी से जो स्टेटस को इष्ट होती है उनको डर लगने लगता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपना डर निकाल देना चाहिए। 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने से या BJP के पराजित होने से क्या आप खुश हैं? देखिए BJP का हारना तो अच्छी बात है, पर कांग्रेस का आना भी कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये दोनों ही पार्टी जो है वो संविधान सम्मत नहीं है, मानवाधिकार सम्मत नहीं है। इनकी नीतियों की यदि आप गहराई से देखेंगे तो देखिए जाति का जो भेदभाव है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आज भी SC ST के ऊपर में एट्रॉसिटीज़ है, माइनॉरिटीज़ को मारा जा रहा है, लव जिहाद के नाम पर भी, फिटिंग के नाम पर उनको डराया धमकाया जा रहा है, OBC का जो है वो सप्लान नहीं है, SC ST का जो है वो सप्लान है लेकिन वो डाइवर्ट कर दिया जाता पैसा, उसको जो है उसके लिए एक्ट नहीं बना, रिजर्वेशन इन प्रमोशन के लिए जो है अभी तक जो है वो कोई लॉ नहीं बनाया गया, SC ST का, OBC का रिजर्वेशन एक्ट नहीं बनाया गया, रिजर्वेशन को जुडिशरी, आर्म्ड फोर्सेस या जो है आप मान लीजिए साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट में नहीं बढ़ाया गया, किसान आत्महत्या कर रहे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 10 साल हो गए इन्होंने लागू नहीं किया, निजीकरण किया लेकिन निजी क्षेत्र में अफर्मेटिव एक्शन को नहीं लाया, टैक्सेस को ये लोग इतना ज़्यादा छोड़ा कि 50 लाख करोड़ रुपये तो केवल 2009 से अब तक छोड़ा, उसके पहले का कोई हिसाब नहीं है, 13 लाख करोड़ का NPA हो गया, लोग पैसा ले लेके भाग रहे हैं, उनको ये वापस लाने के लिए तैयार नहीं है, 1% लोगों के पास 60% संपत्ति हो गई है, इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है कि जो आर्थिक विषमता हो गई उसको कम करने के लिए, युवा बेरोजगार है, इन्होंने कहा था 2 करोड़ हम रोजगार लाएंगे तो 25-30 लाख भी जो है वो रोजगार नहीं आ रहे हैं। तो ये जो तमाम जो प्रॉब्लम्स भारत के अंदर आ गई कि भारत में गरीबी है, विषमता है, पिछड़ापन है, जातीय भेदभाव है, संप्रदायवाद है, किसान मर रहे हैं, और इसके वजह से भारत जो हमारा संविधान अच्छा होने के बावजूद जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है उसमें जो प्रॉब्लम्स है, इसमें कांग्रेस और BJP दोनों ही भागीदार है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि BJP का हारना तो अच्छा है पर कांग्रेस का आना भी कोई उतना अच्छा नहीं है। हमको API को अल्टरनेटिव पार्टी बनाना है और भी कुछ पार्टीज देश में अल्टरनेटिव पार्टीज बनना चाहिए, कांग्रेस BJP के अलावा दूसरी पार्टीज राइज होना चाहिए।
पिछले 5 सालों में एपीआई के कार्य या उपलब्धियां कैसे बताएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया एक विशिष्ट पार्टी बन के आई, जो हमने एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी इसमें डिक्लेयर किए हैं। आपने ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को देखा, ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में समझता हूँ कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बहुत ही डिस्टिंक्ट फिलॉसफी, एक बहुत ही दर्शन, एक विचारधारा क्लियर एपीआई ने रखी है, नीति बहुत क्लियर रखी है। अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ये पहली पार्टी है देश की जिसने तमाम नीतियों को बड़े क्लियरली स्टेट किया है, और इसके साथ में हमने 18 से 20 राज्यों में इसको फैलाया है। और मैंने स्वयं जो है वो 16 बिल्स संसद को दिए, जिसमें 11 बिल्स भारत की जो चुनावी व्यवस्था प्रातिनिधिक है उसको पूर्णतः बदलने के लिए ये चुनावी बिल्स हैं, 2 बिल्स मानव अधिकारों को संविधान में समाविष्ट करने के लिए हैं, 2 बिल्स जो है आदिवासियों के जल जमीन जंगल का उनको मालिक बनाने के लिए, शेयर होल्डर बनाने के लिए इंडिजिनस राइट्स के बिल्स हैं। इसके अलावा 18-20 लगभग पिटिशन्स मैंने किए, जिसमें SC ST का पिटिशन है, OBC के सब बजट हेड का सब प्लान का पिटिशन है, पीपल्स बजट का पिटिशन है, DT&T का पिटिशन है, माइनॉरिटीज़ का पिटिशन है, भूमिहीन आवासहीनों का पिटिशन है, ह्यूमन राइट्स इन प्राइवेट सेक्टर का पिटिशन है, EVM में 30% पेपर ट्रेल काउंटिंग का जो है वो पिटिशन है, अफर्मेटिव एक्शन इन प्राइवेट सेक्टर फॉर SC ST का पिटिशन है। और ये पिटिशन्स की वजह से आप देखिए बहुत सारी चीज़ें हासिल भी हुई हैं, जैसे 40,000 करोड़ रुपये SC ST सब प्लान में पिछले 2 सालों में ज़्यादा हमको प्राप्त हुआ, 712 करोड़ रुपये DT&T को बजट में पिछले बार ज़्यादा प्राप्त हुआ, लगभग 3,500 करोड़ रुपये माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा प्राप्त हुआ। यदि आप देखेंगे तो महिलाओं के लिए जेंडर बजटिंग सबसे पहले मेरे पिटिशन के बाद आया, उसके बाद जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है ना, जो जिनके पास ज़्यादा पैसा कमाते हैं उनको ज़्यादा टैक्स, तो 1 करोड़ के ऊपर 4% सेस लगा, वो मेरे वजह से पिटिशन के वजह से लगा है। फिर 5.5 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा टैक्सेस में छोड़ देते थे, वो कम हो गया, 3 लाख करोड़ से कम किया उसे, ये मेरे पीपल्स बजट के पिटिशन के वजह से हुआ है। इसके साथ में 204 एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स बने हैं देश में, वो पिटिशन की वजह से 15% एट्रोसिटी कम हुई, SC ST को उड़ीसा में लैंड टू लैंडलेस लोगों को ज़मीन मिलना चालू हुआ है। इस तरह का बहुत सारा जो है, अभी SC ST सब प्लान एक्ट को नीति आयोग स्टडी कर रहा है, OBC के बजट को नीति आयोग स्टडी कर रहा है, तो बहुत सारे जो बदलाव है देश के अंदर में वो आप देखेंगे कि मेरे पिटिशन्स की वजह से आए हैं। और ये बिल सभी पार्लियामेंट को जो दिए हैं, तो अभी हम चुनाव में बिजी हैं, तो उस पर हम लोग जो है वो ध्यान रखकर है, और इस पर और ज़्यादा प्रखरता से हम काम करेंगे। अभी आगे आने वाले 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए API की क्या योजना रहेगी? देखिए, एक तो सबसे पहली बात जो है, क्योंकि मैंने कहा कि इसको पैन इंडिया पार्टी मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, इसका अर्थ ये होता है 600 जिलों में हमारा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, 20 राज्यों से ज़्यादा, और लगभग 350-400 सीट्स को लड़ाना है। तो हमारी ये कोशिश है कि हम इस बार 200 से ज़्यादा संसदीय जो पार्लियामेंट्री जो सीट्स है उसको हम लड़ाएंगे, 60 लाख से ज़्यादा हम वोट लें। अगर ऐसा करने में हम सफल हो जाते तो देश की पहली 15 पार्टियों में हम रहेंगे, और यदि हम पहली 15 पार्टियों में रहते, 1-2 अगर MP हम जीत जाए, तो ये जो मैंने बिल्स और पिटिशंस की बात की, इस पर हम और ज़्यादा जो है ज़्यादा स्पीड से जो है ज़्यादा तेज़ी से काम करेंगे, और नया भारत प्रबुद्ध भारत बनाने की दिशा में जो है वो स्टेप उठेंगे। BJP को हराने के लिए कांग्रेस या और कोई महागठबंधन बन रहा है, तो उसमें API अलायंस करेगी? कांग्रेस के विषय में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कांग्रेस की जो नीति है वो संविधान सम्मत मानव अधिकार सम्मत नहीं है, वो कोई देश को नया भारत प्रबुद्ध भारत बनाने की नीतियाँ कांग्रेस की नहीं है, ये हमने 60 साल देखा है, आज भी हम इसको देख रहे हैं, तो कांग्रेस के साथ अलायंस का सवाल नहीं आता है। और जहाँ तक महागठबंधन का सवाल है, उनका भी नीति जो है वो स्पष्ट नहीं है, और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमको API को पैन इंडिया पार्टी मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। तो जब तक हमारा बेस 600 जिलों में नहीं होगा, जब तक हम 450 सीट्स लड़ाने की पोजीशन में नहीं जाएंगे, तो हम देश को कांग्रेस BJP को जो एक वैकल्पिक पार्टी हम बनना चाहते हैं, अल्टरनेटिव पार्टी बनना चाहते हैं, वो नहीं हो पाएगा। तो हम अपना चुनाव लड़ेंगे, अपने बेस को बढ़ाएंगे, वोटिंग लेंगे, और ये चुनाव में जो है अगर छोटी कोई लाइक माइंडेड पार्टी से तो उनको हम देखेंगे अगर वो अलायंस करना चाहती है। API की जो विशेषता है नीतिगत राजनीति की, अभी हम आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हम बार बार सुने हैं, जिसका आने वाले समय में दशक में क्या भविष्य रहेगा? देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, पिछले साल यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी जिसका नाम इंटरनेशनल आइडिया है, उसने एक रिपोर्ट को 2017 में पब्लिश किया, स्टेटस ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। उसने बड़ा प्रखर रूप से ये बात को कही है, पूरे दुनिया भर के लोकतंत्र का सर्वे करने के बाद, कि लोकतंत्र अच्छा है लेकिन लोकतंत्र सारी समस्याओं का समाधान नहीं है। और उसमें उन्होंने सॉल्यूशंस में सजेस्ट किया है कि जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जो डिस्क्रिमिनेटेड लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, दबाए गए हुए लोग हैं, जब तक वो अपनी पार्टियों से पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिसीज नहीं करेंगे,
यानी राजनीति नीतियों की होनी चाहिए। अभी देखो भारत में स्लोगन पर नीति चल रही है, एक दूसरे को चोर बोले रहे, कोई महाचोर बोल रहा है, कोई चोर बोल रहा है, लेकिन भारत में नीति कैसी होनी चाहिए, क्या नीति से न्यू इंडिया एनलाइटेंड इंडिया बनेगा, नया भारत प्रबुद्ध भारत बनेगा, ये तो कोई चीज़ें जो है स्पष्ट नहीं है। तो हमारा ये बिल्कुल क्लियर व्यू है कि भारत में पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिसीज होना चाहिए, जो हमने पॉलिसीज ऑफ अम्बेडकरिज्म एंड अनेक अंगों मग्गों का विज्ञान और मानवता का जो रास्ता हमने डिक्लेयर किया है, उसके आधार से देश की शिक्षा नीति हो, चाहे श्रमिक नीति हो, चाहे आपकी कृषि नीति हो, चाहे उद्योग नीति हो, चाहे अर्थ नीति हो, चाहे महिलाओं की नीति हो, चाहे SC ST OBCs की नीति हो, चाहे DT&T माइनॉरिटीज की नीति हो, चाहे विकलांगों की नीति हो, चाहे युवाओं की नीति हो, चाहे विज्ञान और प्रौद्योगिकी की नीति हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा की नीति हो, चाहे वो डिफेंस की नीति हो, चाहे वो विदेश नीति हो, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस हो, ये तमाम चीज़ों के ऊपर में एक डिस्टिंक्ट जब तक आप बातों को नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें समस्याएं सॉल्व नहीं होगी। देखिए चार प्रॉब्लम्स भारत के अंदर में क्रिएट हो गई है, और आप जो ये गरीबी देख रहे हैं, पिछड़ापन देख रहे हैं, बेरोजगारी देख रहे हैं, महंगाई देख रहे हैं, किसानों की आत्महत्या देख रहे हैं, या अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, ये देख रहे हैं, मुसलमानों को मारा जा रहा है ये देख रहे हैं, या OBC को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है ये देख रहे हैं, या एट्रोसिटीज़ हो रही है देख रहे हैं, ये तमाम कुछ बेसिक चीज़ों की वजह से। क्या वो बेसिक चीज़ें चार फोर्सेज है? क्या फोर्सेज है? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट कैपिटलिज्म, कम्युनलिज्म एंड कन्फ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट, यानी जाति का भेदभाव देश में है, जातीय पूंजीवाद है, उसके बाद संप्रदायवाद है, और ये चीज़ों का समाधान ठीक से ना समझे करके देश की जनता को कंफ्यूज किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, और कॉन्फ्लिक्ट तैयार किया जा रहा है दूसरी चीज़ों के लिए, ताकि आप वो समाधानों तक ना पहुँच सकें। इन चीज़ों को यदि आपको पूर्णतः जो है वो ठीक करना है, तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ चीज़ों को आपको करना पड़ेगा। क्या पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिसीज है API का? एक बार भारत के संविधान में आपको मानवाधिकारों को समाविष्ट करना पड़ेगा, आपको इंडिजिनियस राइट्स को समाविष्ट करना पड़ेगा, भारत की चुनावी व्यवस्था जो अप्रतिनिधिक है उसको बदलना पड़ेगा, इसके साथ SC ST OBC रिजर्वेशन एक्ट बनाना पड़ेगा, SC ST OBC सब प्लान एक्ट बनाना पड़ेगा, सच्चर कमेटी कुंडू कमेटी की रिपोर्ट को लागू करना पड़ेगा माइनॉरिटीज़ के लिए, इसके साथ में जो है अफर्मेटिव एक्शन जो है वो लॉ को बना, एंटी डिस्क्रिमिनेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन लॉ को बनाना पड़ेगा, जुडिशियल रिफॉर्म्स को करना पड़ेगा, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को ठीक करना पड़ेगा, आपकी जो है नई ऑम्ब्यूट्समैन जैसे संस्थाओं को बनाना पड़ेगा, ये एक बात है। दूसरा आपकी पॉलिटिकल इकोनॉमी को यानी राजकीय अर्थशास्त्र को ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक करना पड़ेगा? देखिए आज आपका जो टैक्स GDP रेशियो है, यानी जो कर हम वापस अपने बजट में लाते हैं, वो सबसे कम है दुनिया में, 17% है, जबकि डेवलप्ड नेशंस का 40%, 42%, 45% है, जो मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे ब्रिक कंट्रीज है उनका 30% के ऊपर है, लैटिन अमेरिका अफ्रीकन कंट्रीज का 30% के ऊपर है, और हम अपने टैक्सेस लाते ही नहीं है। तो अब टैक्सेस भी ला रहे हैं तो GST लाए, GST का रेट ज़्यादा कर दिया जिससे महंगाई जो है वो बढ़ रही है, लेकिन वेल्थ टैक्स है, इनहेरिटेंस टैक्स है, टॉप इन टैक्स है, टैक्सेस ऑन ट्रांजैक्शंस है, जो टैक्सेस या जो मान लीजिए बिटकॉइन जैसे जो है ब्लॉकचेन मेथड्स में ई करेंसी आ रही है उस पर टैक्सेस है, ये हम हमारे देश में नहीं लगा रहे हैं। जब तक ये टैक्सेस हम नहीं लगाएंगे दो चीज़ें होंगी इससे, एक विषमता बढ़ते रहेगी, बजट में पैसा नहीं आएगा, तो बजट में पैसा नहीं आएगा तो हमको जो डेवलपमेंट वर्क करना है, वेलफेयर वर्क करना है, वो नहीं हो पाएगा। एक तो हमको हमारे टैक्स सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है, अगर टैक्स सिस्टम ठीक कर लिया जाता है तो बजट में ठीक पैसा आएगा, जब बजट में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से पैसा आएगा तो उसी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर होना चाहिए। तो प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर के लिए जैसे हम कॉमन बोलते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, ये तमाम चीज़ों पर जो है खर्चा होना चाहिए, जिसको मैं एक फॉर्मूला भी कहता हूँ कि भाई भारत की यदि आपको समाप्त करना है, गरीबी पिछड़ेपन को समाप्त करना है, तो एक सिंपल फॉर्मूला है E4H2S2R2। क्या E4? एजुकेशन यानी शिक्षा, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, एंडाउमेंट्स यानी संपत्ति, एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमशीलता, H2 हेल्थ यानी स्वास्थ्य, हाउसिंग यानी आवास, H2 यानी स्किल्स यानी आपके कौशल, सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, R2 यानी रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व, और दूसरा R यानी आखिरी R यानी रिजर्वेशन यानी आरक्षण। इस फॉर्मूले पे आप जो है वो खर्चा कीजिए। चार डेवलपमेंट होते हैं, डेवलपमेंट यानी ब्रिज बन जाना, बिल्डिंग बन जाना, ये डेवलपमेंट नहीं है अतुल जी। डेवलपमेंट चार तरह के हैं,
ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, यानी मानव विकास हो, सामाजिक विकास, यानी जो अलग भेदभाव है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज, ये सब समानता आ जाए, इसके साथ में आर्थिक विकास, इकोनॉमी हमारी डेवलप हो और साथ में पर्यावरण का बैलेंस हो, ये डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट है। मोदी जी के लिए स्पेशली बोलना चाहता हूँ, गुजरात मॉडल ये फेलियर मॉडल है, तो कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए ये होना चाहिए। उसके साथ आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, जो आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को यदि लागू कर देते हैं, और भी कुछ चीज़ें उसमें ऐड की जा सकती है, तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो जाएगी, आपकी जो एम्प्लॉयमेंट अभी भी 56% जो रोजगार है वो कृषि से रिलेटेड है, तो यहाँ पर तो कोई वेजेस इंक्रीज नहीं हो रहे, उनको परमानेंट जॉब्स नहीं है, तो इसको आप इंडस्ट्री अगर बना लोगे तो यहाँ के लोगों का इनकम बढ़ जाएगा, किसानों की आत्महत्या कम हो जाएगी, भूमि, इन लोगों को भूमि मिल जाएगी और एक आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी। दूसरा, भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हम मेक इन इंडिया बोला, स्टैंड अप इंडिया बोला, स्टार्टअप इंडिया बोला, फिर रैफल का कॉन्ट्रैक्ट हमने जो है वो बाहर जो है वो दे दिया, डसॉल्ट को बोला टेक्नोलॉजी आप रख लो, हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ना देते हुए रिलायंस को दे दिया, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आपको वर्ल्ड क्लास बनाना पड़ेगा। वर्ल्ड क्लास यदि आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनाना है तो आपकी हायर एजुकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। अभी देखिए आपका हायर एजुकेशन, आप जानते हैं हायर एजुकेशन बहुत ज़्यादा महंगा है, सब प्राइवेटाइज कर दिया है, तो इसको आपको चीप बनाना पड़ेगा। साइंस के एजुकेशन को, टेक्नोलॉजी के एजुकेशन को ज़्यादा लाना पड़ेगा, जो हम कहते हैं कि इंडिया को हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया बनाएंगे, तो वो आपको करना पड़ेगा। ये करके आपके जो युवा लोग हैं उनको आपको जॉब्स गवर्नमेंट में तो सबको दे नहीं सकते, तो इंडस्ट्रीज में आपको देना पड़ेगा, उसमें भी अफर्मेटिव एक्शन में प्राइवेट सेक्टर लाना पड़ेगा। वर्ल्ड क्लास, अगर कम पैसे में अगर आपका क्वालिटी प्रोडक्शन होता है तब आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनोगे, अभी आप इंटरनल डिमांड पर डिपेंड है हमारी इकोनॉमी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी और साथ में बनना पड़ेगा, तब जाके हमारा जीडीपी बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, तब जाके इसका रिडिस्ट्रीब्यूशन हम कर पाएंगे, और सर्विस सेक्टर को तो अच्छा रखना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ों को यदि आप अच्छा कर लेते हैं और इसके लिए यदि पॉलिटिक्स किया जाए तो मैं समझता हूँ कि फिर वो पॉलिटिक्स से, नीतियों से बदलाव आएगा, लोगों का कल्याण होगा, भारत नया भारत, प्रबुद्ध भारत बनेगा। ये पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिसी से एपीआई की जो बेस्ट है, जो और कोई नहीं कर रहा है, जो हम कर रहे हैं, और इसी के वजह से बीजेपी कांग्रेस दोनों एपीआई को डरती है, लेकिन दूसरी पार्टीज क्यों डरती है मुझे नहीं मालूम, बीएसपी जैसा आप देखा। सर, अनेक अंगों मौकों के संशोधक और प्रवर्तक आपको अभी कहा जा रहा है, लोगों को मैं एक उत्सुकता दी थी कि अनेक अंगों मौकों क्या होता है, तो अभी आपने जो इतने सारे प्रॉब्लम और उसके ढेर सारे अनेक समाधान बताए, क्या हमारे दर्शक यही समझे उसको? हाँ, देखिए अनेक अंगों मौकों तो ये एक विज्ञान है। देखिए दुनिया में कई तरह के लॉस है, अभी देखिए सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ह्यूमन राइट्स का इंटरनेशनल लॉ है, प्राइवेट लॉ है, पब्लिक लॉ है, फिर आप लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी है, फिर आप फिजिकल लॉज में जाइए, आप लॉ ऑफ रिलेटिविटी है, लॉ ऑफ जो है स्पेशल रिलेटिविटी है, फिर बिग बैंग है, इन्फ्लेशन है, टाइम स्पेस का जो है वो लॉज है, बराबर है ना? तो जो हमारा यूनिवर्स है और हमारा वर्ल्ड एक एक लॉ से, एक फिलॉसफी से, एक सिस्टम से नहीं चल रहा है। देखिए अब हम वर्ल्ड को भी स्टडी करेंगे तो अब पहले जो मान लीजिए फ्यूडलिज्म था, फिर कैपिटलिज्म आया, कम्युनिज्म आया, अब डेमोक्रेसी आई, डेमोक्रेसी भी सफिशिएंट नहीं, तो ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ जस्टिस की बात हो रही है, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गई, अभी हम पोस्ट ह्यूमैनिज्म, ट्रांस ह्यूमैनिज्म के एज में जा रहे हैं, सेकेंड टाइप टू सिविलाइजेशन में जा रहे हैं, क्योंकि अभी इन्फो रेवोल्यूशन एंड बायो रेवोल्यूशन दोनों चल रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग आ रही है, नैनो टेक्नोलॉजीज आ रही है, एल्गोरिथम्स आ रहे हैं, तो इससे हम लोग एक नए तरह की, यानी इंसान आधा मशीन रहेगा आगे, इस तरह का पोस्ट ह्यूमैनिज्म के फेस में जा रहे हैं, तो ऐसे समय में हम कहें कि केवल मार्क्सिज्म से सोल्यूशन आएगा, केवल कम्युनिज्म से सोल्यूशन आएगा, केवल डेमोक्रेसी से सोल्यूशन आएगा, या सपोज इंडिया में केवल अम्बेडकरिज्म से सोल्यूशन आएगा, तो मैं समझता हूँ कि ये वैज्ञानिक नहीं है, ये कई लॉस के ऊपर में दुनिया बनती है, कई तरह का सोल्यूशन है, इसलिए इसको हमने मैनीफोल्ड पाथ कहा है, मल्टीपल पाथ ऑफ मल्टीपल सोल्यूशंस कहा है, या साइंस और फिलॉसफी के लेवल पे इसको कॉस्मो ह्यूमैनिज्म कहा है, कॉस्मो ह्यूमैनिज्म यानी ट्रुथ, साइंस एंड ह्यूमैनिटी, यहाँ जाना तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छा है, और बहुत अभी इंडिया के लोगों को पढ़ाई करने की ज़रूरत है, इंडिया के लोग यदि पढ़ाई करेंगे तो उनको ये बात समझ में आएगी कि मानकर साहब जो बोल रहे हैं वो इंडिया में अभी सबसे आगे हैं, वर्ल्ड लेवल का ये रिसर्च है, और ये काफ़ी पढ़ाई करने के बाद मुझे समझ में आया कि दुनिया एक मार्ग से नहीं बनी है, नहीं बदली है, अनेक मार्गों से बदली है, और उसी में उसका समाधान आएगा।
अभी कल ही बुक रिलीज हुआ है, 21st सेंचुरी के लेसन्स जो हैं, नोआ हरारी करके जो है एक ऑथर है, इसराइली है, वो अभी आएंगे बॉम्बे में भी टॉक देंगे, उन्होंने भी इस बात के ऊपर में लिखा है, मैंने थोड़ा साइंटिफिकली ज़्यादा बातें बताया है इस बातों में। वो सब लोग कह रहे हैं कि भाई दुनिया में अभी जो देखिए दो चीज़ आ गए हैं कि अभी इन्फो रेवोल्यूशन और बायो रेवोल्यूशन से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जेनेटिक इंजीनियरिंग से और क्लाइमेट चेंज से और न्यूक्लियर जो हमारे खतरा, इससे बहुत तरह के अलग प्रॉब्लम्स निर्माण हो रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन जो है कोई एक मार्ग से नहीं आएगा, तो यही अनेक अंगों में वो है, यही कॉस्मोमिनालिस्ट। अभी सर जो मुद्दा गर्मा है राफेल डील का, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, फिर दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमारे से कुछ छूट गया जजमेंट देने में, तो ये सारी चीज़ों की तरफ आप कैसे देखते हैं? नहीं नहीं, इट इज़ वेरी बैड एक्चुअली, इट रिफ्लेक्ट्स वेरी बैडली बोथ ऑन द गवर्नमेंट एंड आई शुड नॉट से, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भाई द प्राइजिंग वॉज अ सेंट्रल इशू ना। प्राइजिंग जो है कि भाई ये जो प्लेन है, दो चीज़ें थी कि भाई आपने प्रोसीजर क्या फॉलो किया कि भाई आपने ये अंबानी की कंपनी को 10 दिन पहले जो मनी कर सका, एक ये था कि भाई ऑफसेट जो पार्टनर्स है इंडियन ऑफसेट पार्टनर्स में, जो हमारी सबसे स्पेशलाइज्ड जो कंपनी थी वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है हाल, जो नासिक और जो हमारे महाराष्ट्र नासिक में और बैंगलोर में बड़े कई सुकोई 35 तक प्लेन बना चुकी है। अब ऐसे हमारे पब्लिक सेक्टर होने के बावजूद रिलायंस को दिया, तो एक तो प्रोसीजर का इशू था कि प्रोसीजर फॉलो किया नहीं किया, दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इसमें जो प्राइजिंग है, क्योंकि जो पुराना प्राइजिंग जब हमने स्टार्ट किया था 8-10 साल पहले, तब वो 550 करोड़ कुछ था, अभी ये 1650 करोड़ लगभग हो गया है, तो इतना डिफरेंस क्या आ रहा है, क्या इसका बेसिक प्राइस है, इसमें क्या क्या आपने वेपनरी लगाया, एवियोनिक्स लगाया है, और क्या आपने जो है रडार को डिसीव करने के लिए क्या सिस्टम लगाया है, 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, तो किस तरह का आपका उसमें और क्या जो है वो आपकी टेक्नोलॉजी है, इसका प्राइसिंग कैसे कैसे बढ़ाई, एक सेंट्रल इशू था। अब ये जो है डिफेंस डील्स तो सीक्रेट्स होती है, आप जानते हैं आरटीआई में भी इसका नहीं होता, सिर्फ सीएजी इसको कर सकता है, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के साथ जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है पार्लियामेंट की, वो उसको वेरीफाई करती है। अब सीएजी की रिपोर्ट पीएससी को नहीं गई और पीएससी ने उसको वेरीफाई नहीं किया, पार्लियामेंट में इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ, भारत सरकार ने पता नहीं जो सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके प्राइसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोसीजर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दूसरे दिन फिर सरकार ही कह रही है कि भाई नहीं इसको सुधारो। मैं समझता हूँ ये अच्छा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज़ों को गंभीरता से देखना चाहिए, और इसमें सबसे बड़ा वही इशू है कि इसका प्राइस क्यों बढ़ा है, ये एक देखने की ज़रूरत है, और ये क्योंकि देश की सुरक्षा का इशू है, अगर उतने प्राइस में हम ज़्यादा अगर हवाई जहाज़ खरीद सकते तो बहुत अच्छी बात है, अभी 34-36 कुछ आ रहे, हो सकता है 70 खरीद सकते हैं, उसमें हम लोग जो है पब्लिक का पैसा ही है, तो सीएजी की रिपोर्ट पीएससी में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है, पार्लियामेंट में इसको रखा जाना चाहिए, और अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जानी चाहिए। वो अखिलेश जी ने जो कल कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक फाइनल व्यू होता है, ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट एक वरिष्ठ कोर्ट है, हम सब सम्मान करते हैं, पर ये स्पेशलाइज्ड इश्यूज है, ये केवल जजेस को भी बैठकर पूरी चीज़ें समझ में नहीं आती, इसके लिए एक वाइडर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी करेक्ट फोरम है, जहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधि जो है जो इसमें डेली काम करते हैं, वो इसको रिसर्च कर सकते हैं और उसका फैक्ट को आगे ला सकते हैं, और वो व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट में पार्लियामेंट में आएगी, डिबेट की जा सकती है, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है, तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा नहीं हुआ है, सरकार की तरफ से बिल्कुल अच्छा नहीं था, और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे एरर करना ऐसे महत्वपूर्ण इशू पर, ये भी सुप्रीम कोर्ट जो एक हम सब उसको मानते हैं उसकी जो है विश्वसनीयता पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठा। ईपीए के पार्टी ऑर्गेनाइजर्स, ऑफिस बेयरर्स, ऑर्गेनाइजर्स, कैडर्स, वर्कर्स एंड वेल विजर्स को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये जो सारी बातें मैंने जो अभी तक बताई हैं वो चीज़ों को अच्छे से समझे, ये चीज़ें जो हमने नीति अभिवचन में डिक्लेयर किया है ये ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, भारत की जनता को इसको पढ़ाएं, ये जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें जिसको हमको भारत की जनता को पढ़ाकर समझाने की ज़रूरत है। दूसरा, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के जिलों जिलों में मजबूत करें, गाँव में अभी तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना है, गाँव में घरों घरों में बस्तियों में जाने की ज़रूरत है, जिन लोगों को चुनाव लड़ना है उन लोगों ने आखिर तक बैठ के नहीं रहना है, ये दिस इज़ नॉट अ जोक, ये कोई हमारा ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं पार्लियामेंट का है, जिसको चुनाव लड़ना है अपनी तैयारी करना चाहिए, फॉर्म भर कर देना चाहिए, और आपका बूथ लेवल तक की कमेटीज़ को मॉनिटर करना चाहिए, चुनाव में थोड़ा पैसा लगता है जनता का, चुनाव जनता के पैसे से होना चाहिए, थोड़ा पैसा उनको इलेक्ट जो है इकट्ठा करना चाहिए, और 200 से ज़्यादा सीटें जो अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया 18-20 राज्यों में लड़ेगी, 200 से ज़्यादा कितनी होती है वो अभी पता चलेगा आगे, वो क्लियर होकर 60 लाख वोटिंग जो लेने का हमें प्रयास करना है, उसके लिए सारे ऑफिस बेयरर्स, ऑर्गेनाइजर्स, कैडर्स, वर्कर्स, वेल विशर्स जो है वो लगे,
इस कार्य में लगे और अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया हम पहले पार्टी और पहले 15 पार्टियों में यदि आ जाते तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। एक तो एमपी यदि जुट जाए तो जितने बिल्स और मैं पिटीशन कर रहा हूँ उस पर बहुत फास्ट काम होगा, और यदि हम पहले 15 में 2019 में आ जाते तो 2024 में स्काई इज द लिमिट, हम 10 में भी आ सकते हैं, पहले 5 में भी आ सकते हैं। कांग्रेस बीजेपी को हमको अल्टरनेटिव पार्टी बनना है, इस देश की नीति को हमें ठीक करना है, इस देश की नीयत को ठीक करना है, इस देश के विचार को फिलॉसफी को ठीक करना है, नया भारत प्रबुद्ध भारत बनाना है। एपी इज द ओनली होप फॉर ऑल दिस थिंग्स इन इंडिया। इस दृढ़ विश्वास के साथ में उठे, घर में नहीं बैठे, मई तक जब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं आता है आप जाए, और इस विश्वास के साथ कि एपीआई एक विशिष्ट पार्टी है, इस नीति के साथ में, इस फिलॉसफी के साथ जाए और इस रिजल्ट को लाए। भारत के लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? भारत के लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, अभी हमारी राजनीति स्लोगन्स पे चल रही है, हमारी राजनीति जब तक स्लोगन पे रहेगी, जब तक वो साइंस पर नहीं रहेगी, जब तक वो पॉलिसीज पर नहीं रहेगी, तब तक कांग्रेस जाएगी बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी कांग्रेस आएगी, या और भी कोई आ सकता है, लेकिन भारत में परिवर्तन नहीं होगा। ये जो तमाम जो नीतियों के विषय में मैं अभी इसके पहले बोला है, वो नीतियाँ जो न्यू इंडिया एनलाइटेड इंडियाज की नीति है, जो भारत को संवैधानिक और लोकतांत्रिक भारत बनाना है, वैज्ञानिक भारत बनाना है, मानवतावादी और प्रबुद्ध भारत बनाना है, भारतीय समाज को लोकतांत्रिक मानवतावादी विज्ञानवादी प्रबुद्ध समाज जो बनाना है, इसके लिए एक विशेष तरह की नीति की और फिलॉसफी की ज़रूरत है। अगर उसको ध्यान में रखकर भारत की जनता यदि अपने निर्णयों को लेगी वोटिंग्स के, तो मैं समझता हूँ कि भारत का भविष्य उज्ज्वल है, भारत का भविष्य वैसे भी उज्ज्वल है, ये हमारा महान कंट्री है, लेकिन हम जल्दी बदलाव ला सकते हैं, और यदि जल्दी हम बदलाव लाने में सक्सेसफुल हुए तो जो वर्ल्ड लेवल के प्रॉब्लम्स है, जो ग्लोबल लेवल के प्रॉब्लम्स है, उसमें इंडिया एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकती है एक महाशक्ति बनकर, और मैं समझता हूँ कि तभी जाकर जो है भारत के अंदर जो गरीबी है, पिछड़ापन है, असाक्षरता है, बेरोजगारी है, जातिवाद है, विषमता है, संप्रदायवाद है, महिलाओं के साथ भेदभाव है, ये तमाम भ्रष्टाचार है, ये तमाम चीज़ें जो है वो सॉल्व हो सकती है। तो सही नीतियों को, सही नेताओं को, सही नेतृत्व को और सही प्रतिनिधित्व को, प्रतिनिधियों को चुनने का जो एक समझ है, वो भारतीय लोगों के अंदर, भारतीय नागरिकों के अंदर डेवलप हो, ये मैं उनसे विनंती करूँगा, और वो यदि ये समझ कर करेंगे तो भारतीय लोकतंत्र का और भारत का भविष्य बहुत उज्ज्वल है, उसको भी करें। साथियों, हमने बात की है एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर सर से, उनका नया भारत प्रबुद्ध भारत कैसा होगा उसके ऊपर उन्होंने अपना विजन और एक्शन हम लोगों के सामने काफ़ी सीधे तौर पर रखा है। सर, मानवतावादी मीडिया सेंटर में बात करने के लिए आपका आपका बहुत धन्यवाद। अतुल जी, धन्यवाद, आप आए, आपने इतने अच्छे सवाल पूछे। जय भीम, जय प्रबुद्ध गुणवान, धन्यवाद।